हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ भिंगे चुकन एक्सपर्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। एल्डर शन, प्लीज़ इसे पहन लीजिए। एक आवाज़ आती है, शनचिनचू जो है वो अपना सिर हिलाता है और उसे एक काले रंग की पट्टी दी जाती है जिसे उसे अपनी आंखों पर बांधना था ताकि हुआन हुआ पैलेस का जो ये फॉर्मेशन है वो शनचिनचू नहीं देख पाए, क्योंकि उस ज़माने में वीडियो कैमरा तो होते नहीं थे जिसके जरिए वो लोग पता करा लें। और उसकी आंखों में भी कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि उसे कि आते हुए वो यहाँ से भागने का रास्ता पता कर सके। उसे ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया गया था। शनचिनचू तभी कहता है, गोंगीशाओ। गोंगीशाओ कहता है, जी मास्टर एल्डर शन। शनचिनचू कहता है, ये ट्रायल का जब मैं वेट कर रहा हूँगा तो क्या मैं बाहर के लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? गोंगीशाओ कहता है, सिर्फ आप हुआन हुआ पैलेस के ही लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनकी वेस्ट पे कार्ड होगा आपसे मिलने का, प्रिजन के अंदर आने का, जिसमें शांग चिंगहुआ जो है वो कोशिश करता है वहाँ आने की, क्योंकि थोड़े दिन बाद जो सीड था वो उभर जाएगा जो इन्होंने हुआन हुआ पैलेस के आसपास बायलू फॉरेस्ट से निकाला था। और शनचिनचू को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि अगर वो सीड मैंने नहीं खाया तो मेरे अंदर जो ये पॉइजन है ये कभी भी काम डाउन नहीं होगा। फिर वो पूछता है कि ये जो शॉवर हैं, ये जो इतने भयंकर तरीके के जो आपके डीमन से, इन्हें कैसे डील किया जा रहा है? गोंगीशाओ जो है वो बताता है कि उन लोगों को जो मास्टर जाऊ हुआ टेंपल के हैं वो उन लोगों को उनकी सोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो है सेरेमनी वो परफॉर्म होंगी। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा ना बुरा सा लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, सीनियर ब्रदर आप इससे क्यों बात कर रहे हैं? और इसे वाटर प्रिजन में डालने के बाद ये वहाँ से निकल नहीं सकता। गोंगीशाओ से चिल्लाता है, वो एक फर्दर डिसिप्लिन होता है, डिसिपल होता है, जो कि गोंगीशाओ को कह रहा होता है कि शनचिनचू से बात मत करो। तो गोंगीशाओ कहता है, प्लीज़ इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं। शनचिनचू कहता है, कोई नहीं, इस मोमेंट में एक गुनहगार हूँ तो कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हें मना कर रहा है तो जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम आर्ग्यू मत करो। ये सब कहने के बाद ना वो जानता था कि वो टेम्परेरी कस्टडी में जा रहा है। उसकी आंखें ऑलरेडी काले रंग के स्ट्राइप से बंधी हुई थी, काले रंग के कपड़े से बंधी हुई थी और उसे एक बहुत बड़ी चट्टान की केव में से लेके जाया गया। वो सरफेस बहुत ही ज़्यादा डार्क था, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और येलो डिम कलर की टॉर्च लाइट होती है जो कि चारों दीवारों पे लगी हुई थी। वहाँ पर एक वाटर का सरफेस होता है जो कि बहुत बुरी तरह से आसपास पानी का जो है बुछार चल रहा होता है, एक तरह से फुहारा चल रहा होता है जो कि वाइट स्टोन प्लेटफॉर्म से काफ़ी ऊँचे तक जा रहे थे और लेक के सेंटर तक वो सारी चीज़ें थी। गोंगीशाओ जो है वो कीज़ निकालता है और टच करता है स्टोन एरिए को और वहाँ पर जो है मैकेनिकल उनका जो भी चलता है, उसके बाद वो जो स्टोन है प्लेटफॉर्म का वो ऊपर की साइड आ जाता है। गोंगीशाओ कहता है, एल्डर शन प्लीज़। तभी के तभी वो आदमी कहता है, देख कर चलना इस पाथ पे, क्योंकि वो पाथ ऐसा था कि वहाँ पर अगर उस लेक के अंदर पेबल्स यानी कि पत्थर अगर फेंके जाएँ तो एक्चुअली में वो पत्थर को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेगी, उसे इतनी बुरी तरह से जला देगी। तो वो लड़का कहता है, ये वाटर प्रिजन जो है वो इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना, अगर कोई इसके अंदर एक बार आ जाता है तो वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनके शनचिनचू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि ये लिक्विड किस तरीके का है, अगर कोई भी यहाँ सर इस लेक से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी बोन तक वो पानी क्रश कर देगा, उसकी बोन तक जला देगा, गला देगा। वहाँ हुआ पैलेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइटेजियस सेक्ट था और वहाँ पर इतने इल्लीगल डिस्ट्रक्टिव लिक्विड कैसे आ सकता है, मतलब इस तरह का पानी रखना क्या यहाँ पर अलाउड है? शनचिनचू जो है उस स्टोन पाथ को फॉलो करता है और आराम से केयरफुली चलता है ताकि वो कहीं से भी स्लिप ना हो जाए उस पाथ पे। और ये सारी चीज़ें मजाक नहीं होंगी क्योंकि वो लिक्विड बिल्कुल एसिडिक लिक्विड था और बिल्कुल तेजाब जैसा वो लिक्विड था, तेजाब से भी गंदा, भयंकर और बहुत ही ज़्यादा भयानक। गोंगीशाओ जो है वो अपनी चाबियों को रखता है और उस मैकेनिज्म को शुरू करता है जिससे वो पानी अभी अंदर गया था। शनचिनचू जो है वो एक ग्राउंड पे जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर जो है एक स्टोन का मतलब एक बहुत बड़ा पथरीला चट्टान से भरा प्लेटफॉर्म था और उसके सराउंडिंग जो है वो सारे के सारे आपस में डिबेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो है पानी की आवाज़, स्वर्ड की आवाज़ आ रही होती है। गोंगीशाओ जो है वो मैकेनिज्म को शुरू करता है, उसके बाद पानी जो है वो ओवरहेड तक आने लगता है। शनचिनचू जो है वो अभी भी देख सकता था वहाँ कितना अंधेरा है और वहाँ पर पानी की आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक आ रही थी, कम से कम 20 मीटर तक वहाँ पानी होगा।
वो मन में सोचता है कि क्या मैं गलत हूँ, यहाँ पर ह्यूमन उड़कर यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी वानुआ पैलेस का जो वाटर प्रिजन है उसकी रेपुटेशन एक अलग ही लेवल की होगी। वो पब्लिक जेल नहीं था, वो कल्टीवेटर्स के लिए जेल था और शेंचनचू जानता था डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रबल ज़रूर होगा। वो जैसे ही उठता है तभी वो देखता है कि पास वाले बेसिन से ठंडा पानी आ रहा है और वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो किसी को भी ठंड से जमा कर रख दे। तभी शेंचनचू जो है वो एकदम से शिवर करने लगता है। वो मन में सोचता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर गलती से इस लेक में गिर जाए और उस बंदे का क्या हश्र होगा, और यहाँ का तो पानी भी इतना ठंडा है। तभी उसे 108 इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से बांधा गया था उसकी पूरी बॉडी को, ताकि उसकी स्पिरिचुअल वेन जो है ना, उसकी स्पिरिचुअल की को जो है बंद कर दे और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी, मतलब उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका पॉइजन भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये वाटर जो था वो कट ऑफ कर रहा था उसके अंदर की चीज़ों को, इवन जो स्टोन से लेकर स्टोन पाथ से लेकर आउटसाइड का पाथ था उसे भी बंद कर रखा था इस वाटर प्लेटफॉर्म ने, सॉरी वाटर लेक ने। और यहाँ पर जो था वो तभी के तभी वो देखता है कि एक पिंक कलर की स्कर्ट होती है, वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि पूरे पिंक कलर के कपड़ों में थे और बहुत ही अमीर लग रही होती है। और जैसे ही वो अंदर आती है वो उसे गुस्से से देखने लगती है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शार्प होती है और उसके हाथ में एक मेटल की विप होती है, यानी कि उसके हाथ में एक चाबुक होता है जिसमें मेटल की चीज़ें लगी हुई थी। और तभी शेंचनचू अपनी आंखें रोल करता है और उसे याद आता है ल्यू भिंगे ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा होगा लोगों को प्रताड़ित करने में, सजा देने में, और उसकी ये वाइफ तो लिटरली डीमन है क्योंकि वो लोगों को बुरी तरह से मारती थी और इस चाबुक से ही वो लोगों की स्किन तक छील सकती थी। और शेंचनचू सोचता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन इसके हाथ में चाबुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो लड़की जो है वो उसकी तरफ चाबुक जो है पॉइंट करके कहती है, ओह तुम उठ गए तो प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मरे हुए हो और इस पैलेस के मास्टर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तभी वो उसे देखता है, शेंचनचू जो है वो अभी की अभी इस जगह आया था और क्या उसे इंटेरोगेट करने ये लड़की आई है। शेंचनचू कहता है मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये लिटिल पैलेस मिस्ट्रेस जो है ये किसी भी मैटर को हैंडल कर सकती है, क्योंकि वो जानता था लियो भिंगी के हरम में ये कितनी खतरनाक होती थी। इवन ये उन लड़कियों को अक्सर अपने चाबुक से मारती थी जिनके साथ लियो भिंगे जो है रात बिताया करता था। तभी इसके मुँह से आवाज़ निकालती है, ये लड़की अपने मुँह से आवाज़ निकालती है और ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, अपने मुँह को बंद करो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मेरे यहाँ आने का पर्पस क्या है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी और वो बहुत गुस्से में थी और अपने वो दांत ना घसीट रही होती है और कहती है, तुम एक विलन हो जिसने डीमन वर्ल्ड के साथ मिलके हमारे फेलोज को बिट्रे किया है और तुम यहाँ पर पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। तुम इस पैलेस के मास्टर के हाथ में हो अब और मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी कि तुमने क्या गलत किया है। शेंचनचू कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे डीमन वर्ल्ड के साथ यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए रखा गया है, कि मैंने उनके साथ हाथ मिलाया था इसलिए मुझे यहाँ लाया गया हो। तभी वो लिटिल लेडी जो होती है, खैर लिटिल तो नहीं होती लेकिन वो लेडी होती है जो लियो भिंगे की ही एज की होती है, वो जोर से अपना पैर पटकती है और कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अभी एडमिट नहीं कर रहे लेकिन एक बार मैं तुम्हें पनिश कर दूँ ना तो तुम्हें अपने आप तुम अपने मुँह से सब बताने लगोगे। तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस सीनियर हो जिसे बिग ब्रदर लुओ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन तुम एक हर्टलेस पर्सन हो, ठीक है, और तुमने ये सारी चीज़ें इसलिए की क्योंकि तुम डीमन रेस के साथ मिले हुए हो। शेंचनचू जो है वो स्पीचलेस होता है एक मोमेंट के लिए और वो कहता है, क्या उसने ऐसा कहा कि मैंने उसे हमेशा बुरी तरह से ट्रीट किया है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे ऐसा ट्रीट करता था। तभी वो लड़की कहती है कि लुओ भिंगे कभी भी ऐसा नहीं बोलते, बिग ब्रदर लुओ वो बहुत ही अच्छे पर्सन है और ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी इंजरीज जो उन्होंने सफ़र की हैं, जो कि छुपी हुई हैं उनके दिल के अंदर, मैं सब जानती हूँ कि उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता लेकिन वो अपने दिल की जो जख्म है वो किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि वो कुछ नहीं कहेंगे और मैं नहीं समझूंगी, या मुझे नहीं दिखते उनके दिल में कितने गहरे जख्म हैं जो उनकी आत्मा पर लग चुके हैं। क्या मेरे पास आंखें नहीं, क्या मेरे पास हर्ट नहीं। तभी शेंचनचू जो है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता और मन में सोच रहा होता है, यार ये इस तरह की पोइट्री क्यों मेरे सामने गा रही है, मैंने क्या किया है, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो ये अपना गुस्सा मुझ पे निकालने आ गई, मैं कोई हरम की ऐसी कोई लड़की थोड़ी हूँ जिसके साथ लुओ भिंगे रात बिता के गया हो। और उसे मन में हंसी आ रही थी कि ये अपना डीप लव मेरे आगे क्यों दिखा रही है और ये इस तरह से मुझे क्यों ह्यूमिलेट कर रही है, और वो भी इतने इरोटिक वे में, जैसे कि लुओ भिंगे के हरम में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियां थी, सबसे सुंदर लड़कियां थी और एक से एक पावरफुल सेक्ट की लड़कियां वहां पर होती है। तो वो मन में सोच रहा होता है ये वर्जन लड़की की तरह मुझे ऐसे क्यों कर रही है, जिसे जैसे कि मेन जो प्रोटैगोनिस्ट है उसने मुझे काफ़ी बार छुआ हो और इसे तकलीफ हो रही हो। तभी वो
जो लेडी होती है वो कहती है तुम्हारे मुंह पे ये कैसा एक्सप्रेशन है। शेन चिंचू जो है वो अपनी स्माइल को रोकता है और वो उस लड़की से मतलब ऑफेंड ना होते हुए कहता है, मतलब वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी वो लड़की जोर से चला के कहती है तुम मुझ पर हंसना चाहते हो। तभी वो मिस्ट्रेस जो थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है गोंगी शाओ की, लेकिन जब से लुओ भिंगे उसकी लाइफ में आया होता है ना तब से वो जो लड़की होती है ना वो कहीं ना कहीं लुओ भिंगे को लेके पागल हो चुकी होती है। और एंशियंट टाइम से अभी तक वो चाइल्डहुड फ्रेंड वाली बैटल अब नहीं रही होती, अब उसका सीधा सीधा एक ही चीज़ होता है, उसका एक ही स्टैंड होता है कि वो लुओ भिंगे को काफ़ी पसंद करती होती है और उसके लिए वो किसी भी लड़की को अपने रास्ते से हटा सकती है। पर वो समझ नहीं रहा था कि ये मेरे सामने इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है और ये मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही है, ये पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन इतने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन वो भी यहाँ दिखाना, उसे खुद में ही हंसी आ रही थी कि मैं कोई लड़की सहमी सी लड़की नहीं हूँ जो लुए भिंगे की कोई लवर नहीं हूँ जो तुम ऐसे मेरे सामने प्रटेंड करो। तभी वो ऐसा जोर से ना अपना विप घुमाती है और हवा को चीरती हुई एक साउंड आता है एक्सट्रीम सा, और इमॉर्टल केबल जो थी वो रिस्ट्रिक्ट करती है शेन चिंचू को आसपास अपनी स्पिरिचुअल पावर को ओन करने में। और तभी के तभी वो रोल होता है और विप जो है वो ज़्यादा दूर नहीं उसके पैर के पास आके जोर से लगता है और जो ये स्टोन का प्लेटफॉर्म है ना वो बुरी तरह से थोड़ा सा टूट फूट जाता है क्योंकि वो जो विप था ना वो मेटल का था। शेन चिंचू एकदम से घुटनों के बल वहाँ पर बैठ जाता है और वो मन में सोचता है कि अगर ये लड़की इतनी पागल हो चुकी है, मुझे आयरन विप से मारना चाहती है, मेटल के विप से मारना चाहती है, ये पागल है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। ओरिजिनल बुक में तो कहीं नहीं लिखा था कि ये आदमियों पे इस तरह के जो है विप का यानी कि इस तरह के चाबुक का इस्तेमाल करेगी, वो तो हमेशा अपने लव राइवल्स पे करती थी, ये क्या हो गया, ये आदमी से क्यों लड़ने आ रही है। और ये ब्यूटीफुल वुमेन जो कि लुओ भिंगे जिनके साथ जिनको ज़्यादा देर घूरता था या उनके साथ टाइम स्पेंड करता था ये उनके लिए विप यूज़ होता था, ये मेरे लिए आज क्यों यूज़ हो रहा है। सच में मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था स्क्रिप्ट के साथ गड़बड़ हो गई है क्या और इस लिटिल पैलेस में ये मिस्ट्रेस इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि ये एक विप का क्रैक साउंड भी ना पता चल रहा था उसने कितनी फोर्स से शेन चिंचू पे हमला किया था। और जिस हमले से उसने प्लेटफॉर्म पर आकर शेन चिंचू का मतलब शेन चिंचू को मारा, अगर शेन चिंचू थोड़ा हिला नहीं होता तो खाल उधेड़ देती है उसकी। तभी उसके जो क्लोथ थे ना वो थोड़ी जगह से फट गए थे क्योंकि उसके मतलब कपड़ों में वो विप कहीं ना कहीं मतलब अड़ गया था, लेकिन वो अभी भी अनहार्म था, उसे कहीं भी ना चोट नहीं आई थी। तभी वो एकदम से वो बुरी तरह से ना हिल जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है, उसके कपड़े ना मतलब फट जाते हैं उन विप से क्योंकि उसके पैरों के पास आके विप लगा था लेकिन उसके कपड़े उसकी वजह से फट गए थे। और उसने मतलब उसे दूसरा ही जो ये विप है यानी कि दूसरा ही लैश आके लग रहा होता है, दूसरा ही चाबुक अभी उस पर चलने वाला होता है, वो अपनी आंखें बड़ी ज़ोर से बंद कर लेता है कि यार ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि अभी वो चाबुक चला नहीं, क्या हो गया। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसका दिल ना एकदम से सुकड़ जाता है क्योंकि लियो भिंगे जो है उसने उस विप को पकड़ लिया था अपने हाथों में और दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं बुरी तरह से। तभी लियो भिंगे जो है वो गुस्से वाली टोन में उस लड़की को कहता है क्या कर रही हो तुम, और ये जो लड़की होती है कहीं ना कहीं डर जाती है और एकदम से ना ये अब इसके एक्सप्रेशन होच पोच हो जाते हैं और ये घबरा जाती है क्योंकि लुओ भिंगे की ना टोन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एग्रेसिव थी। और तभी के तभी वो सिंसियरिटी से नहीं बोल पा रहा था, वो बहुत गुस्से में था, ऐसा लग रहा था अभी वो किसी को मार देगा खून कर देगा और ये लिटिल पैलेस की मिस्ट्रेस को सच में यहीं दफना देगा। तभी वो हेजिटेंटली कहती है कि मैंने डैड से पूछा था वेस्ट कार्ड के लिए यहाँ आने के लिए ताकि मैं इसे इंटेरोगेट कर सकूँ। तभी लुओ भिंगे कोल्ड वॉइस में कहता है ये जॉइंट ट्रायल जो है फोर्स एक्ट का वो एक महीने बाद होने वाला है, लेकिन वो चिल्ला के कहती है इसने बहुत सारे मेरे डिसिपल ब्रदर्स और सिस्टर को हर्ट किया है और इसने तुम्हें भी बुरी तरह से जो है ट्रीट किया है, तो अगर मैं इसे लेसन सिखाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है। लुओ भिंगे जो है वो उसकी विप छीनता है और उसे मतलब गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी फोर्स से अपनी पांचों फिंगर को जो है वो धीरे से लूज़ कर देती है। और जब लुओ भिंगे फोर्स से वो विप खींचता है ना वो विप कहीं ना कहीं टूट जाती है। तभी वो कहता है वापस जाओ तुम अभी के अभी। लिटिल पैलेस की जो मिस्ट्रेस होती है उसे गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने पैर को ऐसे ज़ोर से मारती है, लिटरली उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे और वो शेन चिंचू की तरफ देख रही होती है। तभी वो लुओ भिंगे को कहती है तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है लेकिन तुम मुझे इसे अभी टच भी नहीं करने दे रहे। लुओ भिंगे कुछ नहीं कहता और उस आयरन विप को ना वो उस लेक में फेंक देता है और सच में जब वो लेक में फेंकता है ना तो वो चीज़ गल जाएगी और ये इस मिस्ट्रेस का सबसे बड़ा हथियार था। लुओ भिंगे जो है वो सच में अगर वो लड़की यहाँ से नहीं जाएगी तो उसे क्रश कर देगा और लुओ भिंगे का गुस्सा कोई आसान चीज़ नहीं थी हैंडल करने वाली। तभी वो मिस्ट्रेस जो है ज़ोर से चलाती है ऑब्वियसली तुम अच्छा करना चाहते हो, और वो ये बोलकर रोते हुए चली जाती है। वो
कहती है तुम यहाँ पर इसका भला कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा भला करने आई थी। ऐसे रोते हुए वो चली जाती है। शिनचिनचू सोचता है कि स्क्रिप्ट बदल तो नहीं गई, क्या फकिंग चीज हो गई है स्क्रिप्ट के साथ जो ये ऐसे मतलब बदल गई है, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये विप फेंक देगा लेक के अंदर। तभी वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है मन में, शिनचिनचू की पूरी बॉडी जो है वो दर्द करने लगती है क्योंकि ये लिटिल पैलेस की मिस्ट्रेस ने ना उस पर विप चलाई होती है और कम से कम 180 लैशेज जो थे वो उसे मार सकती थी। और उसके अभी भी बॉडी में कहीं दर्द नहीं था क्योंकि वो विप आके लगते, लेकिन उसके कपड़े फट चुके थे। वो दोनों के दोनों अब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बिंगे और जो शिनचिनचू होता है, और कहीं ना कहीं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो अब खत्म होने वाला था। लियो भिंगे जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है अपने मास्टर को उठाने के लिए, लेकिन तभी वो बीच में अपना हाथ जो है वो वापस खींच लेता है और कहता है शिजुन को क्या ज़रूरत है इतने विजिलेंट होने की, मैं जानता हूँ शिजुन को पसंद नहीं कि मैं उन्हें पसंद करूँ, आई मीन मैं उन्हें टच करूँ। तभी ये सच उसके मन में कहीं ना हैवीली डीमन ब्लड जो था उसे भड़ा रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो समझ रहा होता है कि लियो भिंगे क्या सोच रहा है कि वो डीमन है इसलिए मैं उसे टच नहीं करना चाहता, ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे अंदर। लेकिन शिनचिनचू जो है ना वो बहुत ही डरा होता है कि कहीं लियो भिंगे उसे नुकसान ना पहुंचाते। तभी शिनचिनचू जो है वो मेडिटेशन के पोस्चर में बैठता है और वो लियो भिंगे से अभी नज़र भी नहीं मिलाता। ये चीज़ ना कहीं हिट कर जाती है हमारे लियो भिंगे को। शिनचिनचू जो है वो थोड़ी सी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, फिर वो कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करने की, जब फोर्स एक्ट के जॉइंट ट्रायल का एंड हो जाएगा तो मेरी रेपुटेशन बुरी तरह से रुइन हो जाएगी और तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। तब तुम ये जो मेरे साथ अकाउंट सेटल करने वाली बातें है खुशी खुशी अकाउंट तुम सेटल कर सकते हो। ये वर्ड सुन के ना लियो भिंगे को और भी गुस्सा आता है और सच में उसने ये नहीं सोचा था कि उसके मास्टर उसके लिए ये सोचते होंगे। तभी वो अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहते हैं शिजुन को ऐसा क्यों लगता है कि जॉइंट ट्रायल में आप गिल्टी कहलाओगे। तभी शिनचिनचू कहता है क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, लियो भिंगे कहता है आप मुझसे पूछ रहे हैं। तभी शिनचिनचू जो है वो चुप हो जाता है और फिर से लियो भिंगे कहता है मुझसे पूछ रहे हैं आप। शिनचिनचू कोई जवाब नहीं देता और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।